जाएगा, नमरूद लिखा जाएगा, हज्जाज लिखा जाएगा। इससे बड़ा जालिम कौन होगा? नोटबंदी के बाद अपनी अम्मा को एटीएम में लगा देगा। जरा गौर से देखो इस चेहरे को, सही से पहचानो इस दरिंदे को। नाम जर्जिस, पेशा अपनी तकरीरों में मोदी शाह को गालियां देना, अश्लील वीडियो बनाना और रेप करना। इन्हीं हरकतों से ये मौलाना सलाखों के पीछे है। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। जर्जिस नाम का ये मौलाना अपनी तकरीरों में मोदी शाह और योगी को गालियां देता था। ये जहां भी तकरीर करता वह सिर्फ जहर उगलता था। इसको एनआरसी से नफरत थी, इसको 370 हटने का भी दर्द था और ये राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को भड़काता था। हम बर्दाश्त कर गए 370 हटी, कुछ नहीं बोला। हम बर्दाश्त कर गए ट्रिपल तलाक तुमने पास करा लिया, हम बर्दाश्त कर गए कि बाबरी मस्जिद का फैसला। और ये मौलाना की आड़ में ऐसे काम करता था जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस मौलाना की कारिस्तानी के बारे में हम आपको बताते हैं। साल 2013 में एक महिला ने बनारस के जयपुरा थाने में इस मौलाना के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। उसमें बताया कि जर्जिस से उसकी मुलाकात एक तकरीर के दौरान हुई थी। वो अक्सर बनारस में तकरीरें करने आया करता था और उसके बाद वो हमेशा महिला को होटल के कमरे में बुलाया करता था, जहां उसने उस महिला के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया और उस मौलाना ने उस महिला के कई अश्लील वीडियो भी बनाए, जिसके बाद वो मौलाना उस महिला को ब्लैकमेल करने लगा। उस महिला ने साल 2015 में मौलाना जर्जिस के खिलाफ रेप, धमकी और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया। लगभग 6.5 साल की लड़ाई के बाद आज उस महिला को इंसाफ मिल ही गया। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को अपराधी मानते हुए उसे 10 साल की सजा सुना दी और साथ ही 10,000 का जुर्माना भी डाला है। आखिरकार वो मौलाना सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। ये एक मौलाना जर्जिस थे जो मुसलमानों के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं और ये देश में घूम घूम के जलसे किया करता है। जलसा के दौरान बनारस में जब इसका जलसा था तो इसके पोस्टरों से और इससे मिल करके इसका एक नंबर पीड़िता को मिला। वो कुछ अपने मसालहत सुलझाने के लिए इससे बात किया तो ये गोलगड्डा पर उसको बुला के होटल में ले गए रेडिसन में कैंट में और वहाँ बजाय मसले मसाला सुझाए इसके साथ बलात्कार कर दिया और इसकी वीडियो बना लिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देके लगातार 15 तक इससे बलात्कार करता रहा। एक दिन इसके घर भी गया, वहाँ भी बलात्कार किया और लगातार इससे शादी का वादा करता रहा। मौलाना जर्जिस को सजा 10 वर्ष का 376 में, 1 वर्ष की 504 IPC में और 2 वर्ष की 506 IPC में किया है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मजहब की आड़ में मौलाना की कारिस्तानी देख अब सभी हैरान हैं। मौलाना को भी समझ आ ही गया होगा कि अपराध कितना भी छुप कर लो लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो आखिरकार अपराधी की गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज। आगे फिर होगी एक और नई खबर के साथ।